गाइस हम लोग आगे देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो पहला आपका हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, और फिर अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में पहला आपका हो जाता है कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि उत्तल दर्पण आपका ऐसा होता है। तो ये आपका हो गया पोल ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया केंद्र। जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रकाश किरण अनंत से आई, तो ये हमेशा कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, ये जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस पर। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो दर्पण के देखिए पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु काल्पनिक है, जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, और ये दर्पण काल्पनिक है, और जो इसका जो जो काट रहा है यहाँ पे वो है क्या, बिंदु साइज बन रहा है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बिंदु। तो प्रकृति इसकी पहले आ जाएगी आपकी काल्पनिक और सीधा, और साइज आपका क्या हो जाएगा, बिंदु साइज। इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे कि जब वस्तु जो है वो पोल और अनंत के बीच में होती है, तो ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका केंद्र। जब वस्तु अनंत और पोल यानी ध्रुव के बीच होती है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, सेकेंड आपको ये लाइट रे जो है, तो ये एक दूसरे को कहां पे काट रही है, तो ये काट रही है यहां पे, ए डैश बी डैश, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब जो बन रही है वो क्या है, ए बी जो है ए डैश बी डैश है, सॉरी ए डैश बी डैश जो है आपका ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए डैश बी डैश जो है आपका ए बी से छोटा है, तो यानी कि क्या होगा, आपका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है, वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब वो होगी आपकी, वो आपका काल्पनिक है। और थर्ड आपका हो जाएगा कि ध्रुव से मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है। तो पहला आपकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, तो पोल और फोकस के बीच, सेकेंड आपका प्रकृति क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। थर्ड आपका साइज क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो आपका वस्तु से छोटा है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि गोलीय दर्पण में जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो कहाँ, जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु किसी सटीक पोजीशन पे होती है तो कहाँ पे वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख चुका है। इसके आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो नया टॉपिक होगा, ये हम लोगों ने कम्प्लीट कर चुका है।